आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज को स्पॉन्सर बाय निधि सल्स कॉरपोरेशन। खामगांव के जगदम्बा सार्वजनिक उत्सव बड़ी देवी मंडल की ओर से श्री जगदम्बा उत्सव का आरंभ बुधवार 16 अक्टूबर से कोजागिरी पूर्णिमा के पावन पर्व पर आरंभ हुआ। समूचे भारत में केवल खामगांव शहर में यह उत्सव मनाया जाता है। कोजागिरी पूर्णिमा से शांति उत्सव आरंभ हुआ। इस उत्सव के लिए महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से भी माता के भक्त खामगांव शहर में आते हैं। दिवाली और छठ पर्व पर गांव जाने वालों की सहूलियत के लिए मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में अस्थायी कोच जोड़े जाएंगे। साधारण और शयनयान स्लीपर श्रेणी के यात्रियों को इसका फायदा होगा। त्योहार में भीड़ की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यह फैसला लिया है। मध्य और पश्चिम रेलवे पहले ही दिवाली छठ पर्व के लिए 729 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा कर चुकी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में मराठा ओबीसी आरक्षण, कर्ज में डूबे किसानों की बढ़ती आत्महत्या, महिला उत्पीड़न अहम मुद्दे हैं। लोकसभा में महायुति को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। विधानसभा में इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए बीजेपी ने अपने 105 में से लगभग 25 से 30 निष्क्रिय विधायकों के टिकट काटने का फैसला किया है। इसमें कुछ मंत्री भी शामिल होंगे। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है और पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी लक्ष्मी माँ पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कोजागिरी पूर्णिमा हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वरिष्ठ फोटोग्राफर चंद्रकांत पाटिल ने कोजागिरी पूर्णिमा के चांद को अपने कैमरे में कैद किया। केंद्र सरकार द्वारा तय गारंटी मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी बुधवार 16 अक्टूबर से अकोला में आरंभ हुई है। हालांकि पहले दिन खरीदी केंद्र पर किसान नदारद रहने से सोयाबीन की खरीददारी नहीं हो सकी। दूसरी ओर कृषि विभाग ने अभी तक सोयाबीन खरीदी की उत्पादकता निर्धारित नहीं की है तथा अनेक केंद्रों पर बारदाना भी उपलब्ध नहीं होने से अधिकांश खरीदी केंद्र शुरू नहीं हो सके। अकोला शहर के पुलिस लॉन में 19 व 20 अक्टूबर को रानमित्र संगठन की ओर से लिस्टल ग्रीन्स इको प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में पर्यावरण पूरक वस्तुएं उपलब्ध रहेगी। विविध प्रकार के पौधे, टेरेरियम के अनेक प्रकार, दैनिक उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की खरीदारी नागरिक कर सकेंगे। 15 अक्टूबर को विधानसभा आम चुनाव की घोषणा की गई, जिसके बाद अकोला नगर निगम के क्षेत्रों में राजनीतिक दल के विकास कार्यों के बोर्ड हटाने और ढकने की कार्रवाई का आदेश दिया गया। आदेश मिलने के बाद अतिक्रमण विभाग द्वारा राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स, शुभकामना बोर्ड, बैनर, झंडे को हटाने और राजनीतिक दल के विकास कार्य फलक को ढकने की कार्रवाई की गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद संबंधित प्रशासकीय विभाग में नियोजन प्रारंभ हो चुका है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार इस बार ऐसे मतदाता जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है तथा मतदाता सूची में वे दिव्यांग श्रेणी में दर्ज है, वहीं ऐसे मतदाताओं को विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर डाक मतपत्र की सहायता से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। अकोला समेत राज्य में मंगलवार की शाम से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है, जिस पर अमल के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मंगलवार को जिला परिषद पदाधिकारियों ने अपने वाहन छोड़ निजी वाहन थाम लिए। बुधवार को जिला परिषद परिसर में इकट्ठा सभी 6 वाहन जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराए गए। विधानसभा आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय 5 से अधिक व्यक्तियों को चुनाव निर्णय अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजित कुम्भार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।